जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए मई में क्या खास होने वाला है। धनु राशि वालों के लोगों के लिए शनि आपके तीसरे घर में अनुकूल स्थिति में है और इसके प्रभाव से आप लोगों को विदेश में नौकरी के अवसर प्राप्त होने की बहुत ही अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। और ये अवसर ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्राप्त हुए इस मंथ ठीक रहा और बस ऐसे चलेगा, नहीं, ये अवसर आपको बहुत ही बेहतर फल देने वाले होंगे। ये अवसर ऐसे होंगे कि अगर आपने सही क्लिक कर लिया, मोर्चा मार लिया, तो आप समझिए आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये चेंज आपके लिए गलत नहीं था। धनु राशि वाले लोगों को करियर के मामले में इस मंथ अच्छे परिणाम मिलेंगे। करियर का ग्रह यानी कि कर्म फलदाता शनिदेव कहाँ है, हमारे तीसरे घर में है। तीसरा घर यानी कि आपके पराक्रम के घर में है और इससे ये साफ साफ साबित होता है कि आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छे तौर पर विकास की संभावनाएं बनाई गई। तो कुल मिलाकर ग्रहों की दशा करियर में काफ़ी बेहतर स्थिरता को दर्शाती है और इसी के साथ आप लोगों को विदेश में नौकरी मिलने के भी काफ़ी संभावनाएं हैं, बहुत अच्छी संभावना है। तो आप ऐसे समझिए कि करियर वाइज जिस एक गोल्डन पीरियड का आप वेट कर रहे थे, आप लोग कहते हैं ना जब मैं आपकी जन्म कुंडली देखती हूँ तो पूछते हैं मैम हमारा गोल्डन पीरियड कब आएगा, तो धनु राशि वाले जिनकी जन्म कुंडली में शनि बहुत बढ़िया है, समझिए ये गोल्डन पीरियड आ गया आप ही के लिए। जुट जाइए, पुल अप योर सॉक्सेस और तैयार हो जाइए, ये गोल्डन पीरियड आप लोगों के लिए आ चुका है। आप लोगों के जो भी पैसे आप कमाएंगे, जो भी आप इस मंथ पैसे कमाएंगे, आप देखेंगे कि उसकी रफ्तार बढ़ चुकी है और साथ में खर्चे भी बढ़ चुके हैं, तो घबराइएगा मत। क्योंकि देखिए कोई खास तरह से बचत करने में आप थोड़ा सा असफल रहेंगे इस मंथ में, क्योंकि जितना आ रहा है वो जा भी रहा है और खर्चीले तो आप वैसे भी हैं। आप अपनी पूरी लग्जरी का ध्यान रखते हैं, है ना, आप कभी भी अपने मन को मार कर अपने खर्चों को नहीं रोकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो इस मंथ काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आप लोगों के लिए स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। इसके साथ ही में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं आप उनको भी पीछे छोड़ देंगे, तो आपको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों के साथ नए बिजनेस के अवसर भी आएंगे और नए लोग अपने साथ जुड़ना भी चाहेंगे, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपको कुछ लोग जो अब तक नहीं अपना रहे थे, वो आपके दुश्मन के जो रूप में थे, वो खुद आगे से आगे आपके लिए हाथ बढ़ाएंगे फ्रेंडशिप का, वो कहेंगे कि हम आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो मेष राशि में मौजूद बृहस्पति इस मंथ पांचवें घर में गोचर करेंगे और उसकी दृष्टि को देखते हुए सारी ग्रह दशा आपकी सेहत के लिए भी अनुकूल रहेगी। ग्यारहवें घर में केतु के होने से आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात है। तो ये जब बढ़ जाएगा तो आप दृढ़ संकल्प लेने के लिए सक्षम बन जाएंगे, जो आप कंफ्यूजन की स्थिति में थे दूर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति के पांचवें घर में होने का अनुकूल असर आपके परिवार पर होगा और एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक माहौल आप अपने परिवार में बनता हुआ देखेंगे। सभी लोग, मैं बोलूं, हंसी खुशी से एक साथ मिलकर रहेंगे। पिछले कुछ समय में आपके घर का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन शनि और बृहस्पति की अनुकूल दशा के कारण परिवार में आप देखेंगे कि एकता का माहौल बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति का पांचवें घर में होना यानी कि देवगुरु बृहस्पति धन का चिन्ह है, जिसके प्रभाव से आपके लिए धन लाभ कमाने और उसे बचाने दोनों की ही संभावना अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कमाई बहुत आ रही है आपकी, तो मत घबराइए आप। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बचत नहीं हो पा रही है
तो उपाय के तौर पर आपको एक बहुत ही छोटा सा और ख़ास उपाय मैं बताऊंगी, आप उसको कर लीजिएगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए बढ़िया पीरियड है, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों की धनु राशि है, और आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, ये पीरियड ना आपके लिए कुछ नया और ख़ास लेकर आएगा। आप ऑप्शंस तलाश रहे थे, आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, लेकिन 6 मई के बाद ऑप्शंस आपके सामने होंगे और आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी ज़िद में आकर चीज़ों को नहीं करना है। आप अपने से किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठिए, थोड़ा सा सलाह मशवरा करिए। आपको पता है आपके अंदर की क्वालिटीज़ क्या है, लेकिन कई बार हम अपनी उन क्वालिटीज़ को नहीं पहचान पाते जो सामने वाला समझ जाता है। तो अगर आप अपनी उन क्वालिटीज़ को जानना चाहते हैं तो एक बार अपने माता पिता हो गए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा कीजिए। सलाह मशवरा के लेकर आप अपनी लाइफ को अगर आगे बढ़ाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होंगी। आप जो डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग देखेंगे कि आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। बस अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना है। अब उपाय के तौर पर आपको क्या उपाय करना है, बहुत छोटा सा उपाय है। आपने इस पूरे मंथ में थर्सडे के दिन, एवरी थर्सडे मतलब हर गुरुवार को, आपने किसी भी मंदिर में जाकर पुजारी जी को एक पीले रंग का अंगोछा या तौलिया, जो भी आपको ठीक लगे, धोती, कुर्ता पजामा, जो भी आपकी पॉकेट जो आपको अलाउ करती है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो लीजिए। और उसके साथ में आपने 7 केले लेने हैं, 7 केले और पीले रंग का कोई भी वस्त्र रखकर, वस्त्र के ऊपर 7 केले रखकर आपने माथे से टच कर कर थर्सडे के दिन मंदिर में जाकर पंडित जी को देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेकर वापस आ जाना है। बस छोटा सा उपाय करना है, और ये छोटा सा उपाय आपकी लाइफ बहुत अच्छे ढंग से बदल देगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, और बाकी की राशियों के लिए क्या खास है छोटे छोटे उपायों के साथ आप सभी को बताऊंगी। जय माता दी।